In the question number 6, a battery of EMF 10 volt is connected to a resistance as shown in the figure. The potential difference between A and B. A और B का potential difference कितना है ये find out करना है. सबसे पहले इस प्रकार के question में हम R equivalent find out कर लेंगे, फिर हमें उससे current मिल जाएगा, बाकी की चीजें आसान हो जाएगी. 3 और 1 series में है, so this will become 4 ohm. ये नीचे वाले 3 और 1 series में है, so ये भी बन जाएगा 4 ohm. बैटरी लगाई है 10 वोल्ट की, इसका इक्विवेलेंट देखो तो 4 और 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, सो 4/2 दैट इज 2 ओम. बैटरी 10 वोल्ट, क्या करें अभी, करंट निकाल लो V/R. V इज 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट R इज 2 दैट इज 5 एम्पीयर. सो द टोटल करंट ऑफ 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ठीक है, यहां पे ऑब्जर्व करना, ये 4 ओम और 4 ओम दोनों पैरेलल में है, सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो दिस टू ब्रांचेस, सो 5 एम्पीयर में से 2.5 ऊपर और 2.5 करंट नीचे जाएगा. सो आउट ऑफ दिस 5 एम्पीयर 2.5 एम्पीयर अपर ब्रांच में और 2.5 एम्पीयर लोअर ब्रांच में जाएगा. ठीक है, नाम करते हैं अभी वीसी माइनस वीए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 1 ओम रेजिस्टेंस. वीसी माइनस वीए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. नीचे वाला होगा वीसी माइनस वीबी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो वीसी माइनस वीए, वी इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना होगा, आई आर दैट इज 2.5 इंटू 1. वीसी माइनस वीबी होगा 2.5 इंटू 3. सो इसको इक्वेशन 1 करो, इसको 2 करो, 2 माइनस 1 करेंगे, VC माइनस VB माइनस ऑफ VC माइनस VA इज इक्वल्स टू, दिस इज 7.5 माइनस 2.5. इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, ये हमारा आंसर रहेगा. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज